की 6 साल का इंतजार और 3 चुनाव की हार के बाद मानवेंद्र सिंह जसोल की आज घर वापसी हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि मानवेंद्र के आने से मारवाड़ में बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यही वो जसोल है जो अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस का दामन थामे थे, 2024 में बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मानवेंद्र सिंह जसोल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। आज इनकी घर वापसी हो रही है, यानी मानवेंद्र सिंह भी आज भगवा ओढ़ेंगे। बाड़मेर में पीएम मोदी की बड़ी चुनावी रैली है। रैली से पहले मानवेंद्र बीजेपी के हो जाएंगे। इसे बाड़मेर में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की पकड़ इस क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आखिर मानवेंद्र की बीजेपी में वापसी क्या बाड़मेर का चुनावी समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि मानवेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं। राजपूत समाज में मानवेंद्र सिंह की पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के लिए मानवेंद्र का आना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के सामने बाड़मेर में एक मजबूत चुनौती है और उसी चुनौती की काट के तौर पर मानवेंद्र सिंह की बीजेपी में वापसी हुई है। 2014 में मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद पार्टी से उनके रिश्ते खराब होते गए। 2018 में रैली से मानवेंद्र बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। 2018 में कांग्रेस से झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2019 में बाड़मेर से लोकसभा लड़ा लेकिन वो हार गए। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर सिवाना से विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। एक बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले मानवेंद्र को बीजेपी से हटने के बाद लगातार 3 चुनाव में हार मिली है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने घर में ही हारना पड़ा। ऐसे में उनके सियासी करियर पर भी सवाल उठ रहे थे। मानवेंद्र वैसे तो लंबे समय से बीजेपी में रहे, बीजेपी से ही विधायक और सांसद भी बने। मानवेंद्र ने जिस समय बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था, उस समय वो बीजेपी से विधायक भी थे। लेकिन बीजेपी से जाने के बाद से मानवेंद्र सिंह एक जीत के लिए भी तरस गए और अब उनकी बीजेपी में वापसी हो रही है। पीएम मोदी की सभा के साथ ही मानवेंद्र बीजेपी के हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मानवेंद्र की बीजेपी में वापसी मारवाड़ में बीजेपी को कितना फायदा देती है। हालांकि मारवाड़ में कांग्रेस के पास मानवेंद्र सिंह के रूप में कद्दावर राजपूत नेता था। मानवेंद्र को आगे कर कांग्रेस पूरे मारवाड़ को साध रही थी। खासकर बाड़मेर और जैसलमेर में मानवेंद्र कांग्रेस के लिए फायदेमंद थे, लेकिन अब मानवेंद्र बीजेपी के हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और कांग्रेस विधायक